तो फ्रेंड्स आज है संडे के दिन और संडे के दिन मैं दिखा रहा हूँ आपको एक्सट्रीम की भरमार एक्सट्रीम 125R की। पहले आपको देखने मिलेगी इधर देख सकते हैं ब्लैक ब्यूटी, इसके अंदर ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, लैमिनेशन काम इसके अंदर पेंडिंग है जो चल रहा है इसके अंदर फॉक्स रेड लग चुके हैं। साथ में इसमें देख सकते हैं क्रैश गार्ड, इसके अंदर वही प्रॉपर फिटिंग वाला जो हम लगाते हैं वो इसका इंस्टॉल्ड हो चुका है। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर लग चुका है जो कि ब्रेक पैंडल एक्सटेंड करते हैं। इधर आपको मिलेगी इसके गियर शॉक्स और साथ में इसमें देखने मिलेगी आपको लेडीज फुटरेस्ट जो हमने बनाया ना प्रॉपर फिटिंग वाला, ये वही लेडीज फुटरेस्ट है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और लमशन वैसे पूरी गाड़ी हो चुकी है, सिर्फ बैक साइड कैसा रह रहा है ये कर रहे हैं अभी इसकी लमिशन ये रही। और एक मिलेगी आपको अंदर रेड ब्यूटी, देखिए इधर मिलेगी आपको रेड कलर की, ये भी ऑलमोस्ट काम डन है इसके अंदर, बाकी भी चल रहा है। नंबर ऑफ फ्रेम जो कि आपने देखा हमारी वीडियोस के अंदर लास्ट में उसमें दिखाया कि प्रॉपर फिटिंग वाला ये बन चुका है, कोई जुगाड़ नहीं है इसका, सिंपली इजी टू फिटेड है। और ये है इसका प्रॉपर फिटिंग वाला आपका नंबर प्लेट फ्रेम जो कि वैसे आप देखते तो वो हमने किसी और गाड़ी का लगा रखा था पहले कुछ वीडियोस के अंदर, बट इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा आपको। देख सकते हैं लुक इसकी कुछ इस तरीके से, साथ में रेड कलर इसमें लगा दिया है, शॉक प्रोटेक्शन रेड कलर का मिलेगा आपको, फॉक्स लैडर ये देखिए लीवर गार्ड इसमें लग चुका है जिससे आपका लीवर होता है पूरी तरीके से, साथ में आपके हैंड भी होता है सेफ, और ये भी आपका रेड और कार्बन की मैचिंग के साथ है। बाकी लमशन अभी चल रही है देख सकते हैं आप, ये अंडर प्रोसेसिंग है लमशन का काम जो कि इसके अंदर चल रहा है। एंड अब आते हैं हम तीसरी बाइक पर, वो देख सकते हैं ये भी एक्सट्रीम ही है, वही एक्सट्रीम आर, एक ब्लैक ब्यूटी बाहर है, एक इधर रेड हो गई, इधर आपकी अगेन होगी ब्लैक, और इसके अंदर अभी क्रैश गार्ड लग रहे हैं, ये आपका लीवर गार्ड इसके अंदर लगने हैं, ये आपका ब्रेक पैनल एक्सटेंडर, ये आपका स्टैंड जैकेट, ये आपका थाई पैड्स, ये आपका शॉकर प्रोटेक्शन, और ये आपको मिलेगा टैंक पैड, इधर मिलेगा गियर शूज। और करते हैं कंप्लीट फिर दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या टोटल हुआ है इसके अंदर, और शायद वीडियो लंबा हो तो मैनेज कर लेना, आपको पता आपका प्यार इतना तो एक्सट्रीम इतनी आती है तो मेरी मजबूरी में बनाना सबको, तो करते हैं कंप्लीट। लोग कहाँ से भाई लोग? मैं दिल्ली से हूँ, ये मेरे दोस्त ही मुझे लेके आए, बाकी यही इसलिए सजेस्ट करा था कि भाई के पास चलेंगे, वहाँ भाई बढ़िया काम करते हैं, वीडियो दिखाई आपकी, मैंने कहा भाई चलिए मुझे खींच पटक के लेके आए, कह रहा अभी से ले जाएंगे दुर्राटे कटवाते हुए। तो अभी तक कैसे लग रहा दुर्राटे काटने वाला? अभी लग रहा है जब एग्जॉस्ट लगे प्रॉपर रोड पे आएगी जब उसके बाद इसे दुर्राटे काटेंगे तब आएगा मजा। अभी इसके अंदर ना एग्जॉस्ट भी लगना बाकी है, शायद फिर अगर एग्जॉस्ट लगेगा तो इसकी मुझे वीडियोस अलग करनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं था लिख रखा है बिल के अंदर, पर एग्जॉस्ट लगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे इसका अलग ही होगा वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर जो काम चल रहा था पहले और हमने लगाना था इसके अंदर एग्जॉस्ट, तो हम एग्जॉस्ट एक्चुअली क्या इसका फुल सिस्टम लगाना था, बट फुल सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी कि इसका जो आगे का माउथ है छोटा सा है, तो इसलिए हमने क्या किया इसे नीचे से कटिंग करके हाफ बैंड पाइप इसने लगाया है जो कि देख सकते हो आप, ये लगा दिए हमने हाफ बैंड पाइप, ये इसका इंस्टॉल हो चुका है जो कैथलिंग वो निकल चुका है इसके यहाँ से। और अब इसमें सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट की साउंड के किस तरीके से साउंड इसके अंदर आने वाली है और किस किस की कैसे कैसे साउंड, और जो पसंद हो वो आखिरी में आप बताना, और जो भैया करें वो तो हमने लगाना है ही गियर, तो करते हैं स्टार्ट और सुनाते हैं साउंड। आप करिए नेक्स्ट, ये है एक्रा बोवी का बेसिक जो कि आपको साउंड सुना रहे हैं इसकी। नेक्स्ट साउंड इसकी भी अच्छी है, बाकी आप लोग जरूर बताना, वैसे मुझे पता है सबको साउंड तो ज़्यादातर के हिस्से में तो सेम ही लगेगी सबकी, बाकी फिर भी देख लेना मैनेज कर लेना जैसे भी हो। और ये आ गया SC प्रोजेक्ट का कार्बन वाला, सबसे ज़्यादा खतरनाक। नेक्स्ट तो नेक्स्ट सुनाते हैं हम R1M की जो कि नॉन डीपी कलर, इसकी सुनाते हैं आप साउंड कैसी आने वाली है इसके अंदर। साइलेंट, मैं तो साइलेंट हो गया ये कह रहा, मैं साइलेंट हो गया, मतलब एग्जॉस्ट लगाने का जो फील आता है वो R1M या R9 की आती है जो कि आपने इसकी देखी। अब दिखाता हूँ दूसरा जो कि मिलेगा आपको R9 का, इसकी भी साउंड सुनते हैं कैसी आने वाली है इसके अंदर। एग्जॉस्ट भी लग गया और चलान भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वो तो रोड पे जाके पता लगेगा, समझ गया ना, समझ गया, गाड़ी इनके पैसे कर रहे तो डर इन्हीं को लग रहा है। अब ये आ गया R1M लॉन्ग वाला जो कि मिलेगा विद डीपी कलर, इसकी सुना साउंड कि किस तरीके आने वाली है और शायद ये अच्छा लग रहा है। डीपी कलर भी नहीं है फिर भी साउंड इसकी जो है वो बेसी वाली साउंड है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अब करते हैं पहले फिट कि कौन सा पसंद करते हैं, फिर उसके बाद एंड में दिखा देंगे आपको कौन सा इसमें लगा और पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन दिखाएंगे क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन की गई है।
आप दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर आपका, इसके अंदर क्या क्या होने वाला था और क्या क्या हो चुका है, और एग्जॉस्ट की आपने ऑलमोस्ट साउंड सुनी ली थी। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर मॉडिफिकेशन की, टोटल मॉडिफिकेशन क्या क्या की गई है और एग्जॉस्ट फाइनली कौन सा लगाया गया है इसके अंदर। तो पहले मैं दिखाता हूँ इसके अंदर लीवर गार्ड, जो कि इसमें देख सकते हैं लगा दिए गए इसके अंदर लीवर गार्ड, कार्बन और रेड कलर के लीवर गार्ड हैं जो लगा दिए गए इसके अंदर। इसे लगाने से लीवर और हैंड दोनों होते हैं आपके प्रोटेक्ट पूरी तरीके से। और साथ में इसमें देखने को लगेगा इसके अंदर मोबाइल होल्डर, जो किसी ने पहले से इंस्टॉल्ड है, हमने नहीं लगवाया, ये भी आपको आफ्टर मार्केट मिलेगा। हम नहीं बेचते, हम थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी बेचते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसने लगा हुआ है। और इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको ये इसके मिरर, जो कि आप देख सकते हैं मिरर लगा दिए गए इसके अंदर। और ये मिरर लगाने से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बता दूँ कि आपको क्या होता है कि एक लाइट मिलती है आपको बैक साइड में, और इधर आइए एक लाइट मिलेगी आपको फ्रंट की साइड, ये देख सकते हो आप। इससे क्या होता है, जब भी आप इंडिकेटर चलाते हैं तो इंडिकेटर चलाने के बाद बंद करना भूल जाते हैं, और जब बंद करना भूल जाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी राइड करोगे, आपने राइड दिया तो राइड का इंडिकेट कर देगा, जो आपको ऑफ करना मैंडेटरी हो जाए, पता है आपको आपकी आंखों पे लाइट पड़ेगी तो आपको बंद करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये होता है। साथ में ये जो मिरर है या जो प्रॉपर फिटिंग है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, सीधा सिंपली इजी टू फिटेड है, जो कि आपका योग के अंदर ही फिट हुआ। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ नहीं है, प्रॉपर फिटिंग वाला आपको मिलता है मिरर। और इसके अंदर पीछे का व्यू भी निकलता है पूरी तरीके से, बिल्कुल भी 1% भी आप ये मत सुने कि व्यू नज़र नहीं आता, पूरा इसके अंदर व्यू भी नज़र आता है। और आपकी जो एक्सट्रीम है इसके अंदर ये फर्स्ट जो मैंने लगाए हैं आप लोगों के लिए। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ, मैं हैजार्ड देख रहा हूँ, आप इंडिकेटर टिमटिमा रहे हैं, इसे कहते हैं हैजार्ड, जो कि मिलेगा आपको राइट लेफ्ट पुश करते ही। जितनी बार राइट लेफ्ट पुश करेंगे उतनी बार ऑटोमेटिक हो जाएंगे इसके पैटर्न चेंज। ये देखिए पैटर्न चेंज, मतलब आपका हैजार्ड इसके अंदर लग चुका है, जो आपको मिलता है 20-25 पैटर्न वाला, इसके आपको मिलती है पूरी 1 साल गारंटी। जब भी खराब हो सीधा ये काउंटर पर कार्ड लेकर आइए, आपका हैंड टोन चेंज हो जाएगा, ये हैजार्ड। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको प्रॉपर फिटिंग वाला, जो कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था, प्रॉपर फिटिंग वाला आपको मिल जाएगा इसके नंबर प्लेट होल्डर। आपने वैसे देखा था मेरा जो मैं बोल रहा, प्रॉपर बोर्ड प्रॉपर जरूर था, बट उसके लिए क्या था, वो उसकी फिटिंग इसके अंदर करनी पड़ती थी हमें, बट ये आपका प्रॉपर फिटिंग वाला देख सकते हो आप। आप चाहे कुछ लगवाओ या मत लगवाओ, ये आपका इजी टू फिटिंग है, एक फिटिंग इधर, एक फिटिंग इधर, और एक फिटिंग इधर, एक फिटिंग इधर, प्रॉपर फिटिंग है आपका नंबर पर होल्डर, जो नंबर पर फिट हो जाती है इसके अंदर। और काफ़ी हैवी है, लेकिन लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद। और इधर आपको मिलेगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन, जिससे मरगार्ड और आपका शॉकर, ये होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट। इधर आपको मिलता है नीचे फॉक्स लेडर, जिससे नीचे शॉकर भी सेफ होगा, साथ में आपका ABS प्लेट सेफ होगा, डिस्प्ले ये भी होती है पूरी तरह सेफ। और रेड बाइक है तो ऑब्वियसली पता है आपको रेड ही लगेगा इसके अंदर, तो कॉम्बिनेशन रेड ब्लैक का दिया गया इसके अंदर, सेम इधर सेम इधर। और साथ में देखने में लगेगा इसमें व्हील कवर देख सकते हो हाफ वाले, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इसे लगाने लुक भी नहीं जाती है, और जब चलते तो ऐसा लगता है एक अलॉय का अलग डिज़ाइन इसके अंदर लगा दिया गया। और रेड कलर की मिलेगी आपको विंगलेट, मैं देख नहीं पाया वैसे, मुझे पता भी लगी रेड लगा रखे, बट इसमें ब्लैक विंगलेट, जो कि आप देखते हैं मेरी गाड़ियों के अंदर, बाइकों के अंदर, जो कि मैं लगाता हूँ अलग अलग कलर की, बट ये रेड बाइक है तो रेड ही मैंने लगवाया लुक इनहेंस करने के लिए। और इसके बाद आपको मिलेगा देखने को इधर क्रैश गार्ड, ये इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो देखते हो, वही सेम क्रैश गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, प्रॉपर फिटिंग वाला। इसमें मिलते हैं दो स्लाइडर, एक इधर एक इधर, और एक इधर एक इधर, और प्रॉपर फिटिंग के साथ ये बहुत ही हैवी क्वालिटी है, जो कि आपका TPFC टैंक और आपके खुद के इलाके ये करता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और बाइक कर दी गई पूरी गाड़ी लैमिनेशन, जो कि देख सकते हो आप, जो कि जज नहीं कर सकते हो लैमिनेशन की है या नहीं की है, वो इसके अंदर लगा दी गई पूरी बाइक पर लैमिनेशन, इसकी मिलती है पूरी 1 साल की गारंटी। तो दूसरा इसमें दिखाऊंगा आपको मैं, इसमें देखने मिलेगा आपको ये इसका गियर शॉक, जो इसमें लगा दिया गया है। इसे लगाने से आपका शूज़ कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसकी रबड़ होती है वो घिस जाती है, बट ये जो लगा हुआ ये घिसता नहीं है। और इसके बाद दिखाऊंगा इसका व्हील कवर, जो आगे लगा था वही सेम व्हील कवर बैक साइड में लगा दिया गया, तो देख सकते हो आप इंस्टॉल कर दिया गया, लुक इनहेंस हुए थे। साथ में पता ही आपको चलते हुए अलग ही नज़र आती है आपकी बाइक। और जो एग्जॉस्ट हो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो फाइनल किया है वो किया गया आपका R1M एक्रापोविका R1M लॉन्ग वाला इसके अंदर है विद डीपी कलर। लुक चेकआउट कर लो कैसी आ रही है इसकी ब्लैक एंड कार्बन की फिनिशिंग के साथ, जो काफ़ी अल्टीमेट लुक निकल कर आ रही है इसे लगाने के बाद। और इसके बाद अब मैं सुनाता हूँ आपको इसकी साउंड कि किस तरीके से इसकी साउंड आने वाली है, क्योंकि मुझे लगता कि चलान इसका कभी होगा, क्योंकि साउंड इसकी इतनी अच्छी है, बेसी साउंड है, सुनते हैं साउंड। ये आपकी हो गई आइडल पर, आप देता हूँ थ्रॉटल, तो ये तो थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मैं बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की ये बाइक है उनको कैसा लगा। हेलो, ये बाइक इनकी है और ये इनके सपोर्टर है, ऐसे इन्होंने बोला था इसलिए मैंने बोल दिया। अरे कोई नहीं भाई, भाइयों के लिए सपोर्टर ही है यार। तो बताइए तो सर कैसा लगा आप दोनों को काम। भाई काम तो आपका बोल ही रहा है, हमें बोलने की जरूरत क्या है, काम बोलता है और बाकी एग्जॉस्ट बोल रहा है। ये सही और है। भाई हम दिल्ली से आए हैं और ये मेरा भाई दोस्त मेरे साथ ही रहता है, हम साथ ही काम करते हैं। इसको मॉडिफिकेशन करानी थी तो इसने भैया को रिकमेंड करा, मैंने कहा चलो भाई हम भी चल लेते हैं देख लेते हैं। आए भाई हम काम से प्रॉपर खुश है यार, फिनिशिंग A1 मिलेगी आपको,
बाकी तो काम बोलता है भाई, और भाई का नाम बोल रहा है तो देख ही रहे हैं सब। थैंक यू सो मच आने के लिए आप दोनों भाइयों को, और आपको भी दुर्राटे कटाना आपके किसी बाइक के अंदर तो आप आ सकते हो। आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप जो मिलती है दिल्ली करोल नाइवल के अंदर, मेरी दो शॉप मिलेंगी, एक मिलेगी आपको आर्य समाज रोड पर, दूसरी भी आर्य समाज रोड मिलेगी भाई, बट एक मिलेगी पहले चौक पर, दूसरी मिलेगी दूसरे चौक पर। एक हनुमान जी की मूर्ति जो मिलेगी ना वो जंडल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पहली शॉप मिल जाएगी जो कि मेन रोड मिलती है, और दूसरी मिलेगी दूसरे चौक पर, वो भी आपका आर्य समाज रोड पर। तो जब भी आप आएँ, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर इतने फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और आ सकते हो आप अपने आप आपकी अपनी शॉप पर। तो काम अच्छा कराना तो जरूर यहाँ पे आना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में, जब तक जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।